हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी जिसका नाम है पेड़ा रेसिपी, जिसे कि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना बताऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी दूध। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध लिया है जो कि मेरा 1 लीटर है। अब गैस के फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और अभी हम गैस के फ्लेम को यहाँ पे हाई रखेंगे और सबसे पहले दूध में एक उबाल आने देंगे। हमें दूध को कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि ये तली में बैठे ना। पर ये देखिए, हमारा दूध में एक उबाल आ गया है। तो यहाँ पे अब गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हम कंटिन्यू दूध को चलाते रहेंगे जब तक ये हमारा 50% सूख ना जाए। तो इस तरीके से देखिए, मैं कंटिन्यू दूध को चलाते रहूंगी। ये देखिए, अब दूध हमारा 50% रिड्यूस। तो अब इसमें हम फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे इलायची पाउडर आप अपने, और एक बार इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे हम शुगर, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटे बॉल डाल रही हूँ क्योंकि दूध रिड्यूस होने के बाद ऑलरेडी थोड़ा मीठा हो जाता है। तो इसमें आप शुगर का यूज अपने हिसाब से करें और इसे अच्छे तरीके से और स्टर कर देंगे ताकि जो चीनी है वो दूध में हमारा अच्छे तरीके से घुल जाए। तो चीनी डालने के बाद अच्छे से हमें दूध को कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि हमारा तली में दूध बैठे ना। और देखिए, हमें इस तरीके से होने के बाद गाढ़े फॉर्म डाल लेना। तो हम इस, और आपको इसी स्टेज पे इसे बाहर निकाल लेना है। अगर आपका लगे कि मावा थोड़ा सा गीला है तो कोई बात नहीं, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पेड़े के लिए दूध से ये मिक्सचर बनाया है वो ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे पेड़े का शेप देना है। तो पेड़े के शेप देने के लिए आप यहाँ पे देसी घी का यूज करें। इसे आप अच्छे से अपने हाथों में लगा लें ताकि जो ये हमारा मिक्सचर है वो हाथ में सटे ना, इस तरीके से। और इसका एक छोटा छोटा बॉल लेकर के हमें इसे गोल करना है। मैंने इस साइज के बॉल लिए हैं, आप ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा ना लें, मीडियम साइज का ही बॉल लें। इसे इस तरीके से अच्छे से चिकना करते हुए गोल करेंगे हम। इस तरीके से हमें चिकना करते हुए इसे गोल कर लेना है और बस एक बीच में इस तरीके से गड्ढा करके प्रेस करना है, देखिए। और घी की वजह से हाथ में मेरा पेड़ा सटा भी नहीं है। अब इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से 1 by 1 करके हम सारे पेड़े को शेप दे लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पेड़े को शेप दे दिया है, ये बनकर रेडी हैं। आप चाहो तो इस पर चॉप किया और ड्राई फ्रूट्स कुछ डाल सकते हो या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हो। मैं इस पर बस हल्का हल्का पिस्ता डालूंगी ताकि ये देखने में और खाने में थोड़ा सा टेस्टी लगे। इस तरीके से हम इसके सेंटर पे डाल देंगे। तो इस तरीके से मेरा पेड़ा एकदम बन के तैयार हो गया है। आप इसे 1 घंटा के बाद खाएं ताकि ये थोड़ा सा और खुश्क हो जाए, खाने में भी अच्छा लगे। अभी ये थोड़ा गीला लगेगा इसलिए आप इसे 1 घंटा बाद ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलूंगी इजी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।